Hey, hi, good afternoon everybody. I hope you all are doing good. So this is Dr. Mukta Agrawal, Technical Director from Inlifehealthcare. And I'm sure you must be knowing, Inlifehealthcare is an e-commerce health supplement company which has a wide range of products. As I always say that Inlifehealthcare is one and one only company in India to manufacture liquid filled capsules which are much better then absorbing the ingredient as compared to the soft gel ones. Right, so today's video, basically we will be talking about workouts. Yes, it's quite interesting video and I'm sure each and everybody of you wants to be staying healthy and lose weight. Right, sabko weight loss karna hai, sabko healthy rehna hai ki nahi? So uske liye workout bahut zyada important hai. अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं. ये उन लोगों के लिए है जो बीच में से वीडियो ज्वाइन करते हैं या कई कई बार टॉपिक्स मिस हो जाते हैं. सो आज हम कवर करेंगे कि वर्कआउट कंटिन्यूस रखने के लिए क्या क्या मोटिवेशनल टिप्स हैं कि जिससे हम सिर्फ एक दिन का वर्कआउट ना करें बट लाइफ लॉन्ग वर्कआउट कर सकें. सेकेंड हम जानेंगे कि विच इज़ द बेस्ट टाइम टू डू द वर्कआउट. बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि वर्कआउट कब करना है, कितना करना है. सो उसके लिए बारे में भी हम आज बात करेंगे. ऑल्सो आई विल बी टेलिंग अबाउट यू द बेनिफिट्स कि अगर आपने वर्कआउट किया तो क्या अच्छा होगा, और आपको मैं ये भी बताऊंगी कि अगर आपने वर्कआउट नहीं किया तो क्या होगा. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट अस नो व्हाट इज वर्कआउट. सो वर्कआउट का सिंपल सा मीनिंग है आपकी बॉडी को आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं सो दैट जितनी कैलरीज आपने कंज्यूम की है उसमें से कुछ कैलरीज आप बर्न कर सकें. सो ऑलवेज रिमेंबर कैलरी कंजम्पशन हैज़ टू बी ऑलवेज लेस और इक्वल टू द कैलरीज बर्न आउट. यस, हमारा मोटापा तभी बढ़ेगा जब हम एक्सेस कैलरीज खा लेंगे और वर्कआउट बिल्कुल ना करेंगे या वॉक बिल्कुल भी नहीं करेंगे. तो आपको एक आइडिया देने के लिए, अगर आप दिन के मान लीजिए 3 किलोमीटर्स करीब वॉक करते हैं जो कि अराउंड अबाउट होते हैं 5000 स्टेप्स, आप सिर्फ और सिर्फ 155 टू 200 कैलोरीज बर्न करते हैं. यस, सिर्फ उतनी ही कैलोरी जो आपने शायद, अगर मैं रोटी ही खाने वालों की बात करूं तो 2 या 3 रोटी से आपने ले ली है या फिर 1 बोल ऑफ राइस, 1 to 1.5 बोल ऑफ राइस. यस, सो अगर आपने 3 किलोमीटर वॉक किया तो सिर्फ एक टाइम का मील का कार्बोहाइड्रेट ही आप बर्न करेंगे. सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैलरी कंज्यूम कितना कर रहे हो और कैलरी बर्न आउट कितना कर रहे हो. नाउ वर्कआउट के लिए यू शुड नो 3 S, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, सपलनेस. वर्कआउट का मतलब ये है कि आपके ये तीनों चीज़ें इन प्लेस रहनी चाहिए. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ मतलब कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो दिखने में बहुत पतला हूँ, आई एम हेल्दी, व्हाई शुड आई एक्सरसाइज. बहुत सारे अंडरवेट लोगों को कंफ्यूजन है, दे कीप ऑन आस्किंग मैडम हमें क्यों एक्सरसाइज करा रहे हो, हमें क्यों वर्कआउट करना है, हम तो और ज़्यादा वेट लूज करेंगे. नो, इवन अंडरवेट पीपल हैज़ टू एक्सरसाइज. उनके लिए भी वर्कआउट्स उतने ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना ओवरवेट के लिए. बट हम जब वेट लूज करते हैं तो हमारा कैलोरी कंजम्पशन कम होता है, जब हम वेट गेन की डाइट पे होते हैं हमारा कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा होता है. तो हमारा जो बर्नआउट है वो हमारे कैलोरी कंजम्पशन से कम होगा, इसीलिए आप वेट गेन कर लेते हो. राइट, सो स्ट्रेंथ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. आप कितनी ही ज़्यादा एक्टिव हो लेकिन अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं है तो यू विल फील टायर्ड, लथार्जी, दिन में नींद आना, थकान महसूस होना. ये ज़्यादा ऐसे लोगों को होता है जो कि इधर नॉर्मल वेट है या अंडर वेट है. सो स्ट्रेंथ, वर्कआउट गिव्स यू स्ट्रेंथ. स्टैमिना, स्टैमिना मीन्स कि आप अपनी बॉडी, अपनी वेट पे, बॉडी वेट पे कितनी देर तक होल्ड ऑन कर सकते हैं. सो स्विमिंग, ऑल द कार्डियो एक्सरसाइजेज नीड्स लॉट ऑफ स्टैमिना. राइट, योर रनिंग, योर कार्डियो एक्सरसाइजेज, स्टैमिना मीन्स कि आप अपना खुद का बॉडी वेट कितनी देर तक होल्ड ऑन करके रखते हो.
थर्ड थिंग इज सपलनेस. सपलनेस इज फ्लेक्सिबिलिटी. सो आपके लिम्स, आपके जॉइंट्स, आपकी बॉडी पार्ट्स कितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आपकी बॉडी स्टिफ हो जाएगी तो आपको बैक पेन, नी पेन, इन सब की शिकायतें रहेगी. सो स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड सपलनेस, ऑल थ्री इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जब हम वर्कआउट की बात करते हैं. राइट नाउ लेट मी टॉक अबाउट कि द बेस्ट टाइम टू डू द वर्कआउट. उसके पहले या लेट मी टॉक अबाउट द बेस्ट टाइम टू डू वर्कआउट. सो अब कन्फ्यूजन है लोगों को कि मॉर्निंग वर्कआउट अच्छा है या इवनिंग वर्कआउट अच्छा है. सो लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल एज पर द स्टैटिस्टिक्स 10% ऑफ द पॉपुलेशन इज कम्प्लीटली इनएक्टिव. कैन यू बीट दैट? सो कम्प्लीट इनएक्टिव का मतलब क्या है? खाया पिया सो गए. मीन्स दे आर नॉट बर्निंग एनी अमाउंट. सी येस, आई कम्प्लीटली अग्री, इवन स्लिपिंग बर्न्स द कैलरी, बट बहुत थोड़ी कैलरी बर्न होगी आपकी. सो इफ यू आर कंज्यूमिंग लॉट ऑफ कैलरीज एंड नॉट एक्सरसाइजिंग, सो दैट इज नोन एज इनएक्टिव. सो 10% इज कम्प्लीटली इनएक्टिव एंड मेनी ऑफ देम डू नॉट वर्क आउट इनफ एज पर द बॉडी रिक्वायरमेंट. येस, हर एक की बॉडी रिक्वायरमेंट और उनका वर्कआउट का टाइम फ्रेम अलग होता है. आप कैसे डिसाइड करोगे? सो यूजुअली जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, जो घर में रहते हैं, हाउसवाइफ्स हैं, ओल्डर पीपल हैं, जो बहुत ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, सो दे हैव टू वॉक मिनिमम 10,000 स्टेप्स पर डे. येस, मैंडेटरी. सो 10,000 स्टेप्स की अगर मैं बात करूँ, विच इज़ नियरली अबाउट 5 to 6 किलोमीटर्स, सो विच शुड टेक 45 मिनट्स टू 1 आवर. ब्रिस्क वॉक करना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अगर आप वर्कआउट्स करते हैं, सो इन लोगों को लाइट कार्डियो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है. स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन वेट ट्रेनिंग इज़ नॉट फॉर द पीपल हु आर नॉट गोइंग आउट मच, या घर में रहते हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, हाउस वाइफ फीमेल्स हैं. हाउस वाइफ्स ऑल्सो कैन डू वेट ट्रेनिंग, डिपेंड कि उनका बॉडी शेप क्या है. राइट सो अब अगर मैं बात करूँ टाइम फ्रेम की, तो येस, अगर जो लोग एक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, ट्रेन ट्रैवल करते हैं, या दे ट्रैवल बाई लोकल मीन्स, बसेस, ट्रेन्स, एंड दे वॉक टू द प्लेटफॉर्म एंड ऑल, उन्हें ये लगता है कि अरे हम तो ट्रेन पकड़ने के लिए ऑलरेडी भाग लेते हैं, हमें वॉक करने की क्या ज़रूरत है, हमें वर्कआउट्स की क्या ज़रूरत है. तो भैया आप गलत हो, बिकॉज आप जो वॉक ट्रेन पकड़ने के लिए करते हो, दैट इज़ जस्ट अ वॉक विच यू डू ऑन अ डेली बेसिस. उससे बॉडी आपकी अट्यून्ड हो गई है, उससे बॉडी आपकी यूज टू हो गई है. वो कैलरीज बर्न नहीं होगी. कैलरीज कब बर्न होना स्टार्ट करती है, या वेन योर वर्कआउट इज एक्चुअली गोइंग लाइक वर्किंग इन द बॉडी, इज जब आपका थ्रेशोल्ड रीच हो जाता है. जब हम जिम जाते हैं और हम बोलते हैं ना ट्रेनर को, बस अब मुझसे नहीं होगा, दैट इज द टाइम जब आपकी बॉडी में एक्चुअल कैलरी बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है. सो वहाँ आने के बाद जो आप वर्कआउट करते हो, दैट बिल्ड्स अप योर स्टैमिना, दैट बिल्ड्स अप योर स्ट्रेंथ, एंड दैट शोज हाउ फ्लेक्सिबल इज योर बॉडी, कितना आप सहन कर पाते हो. सो इनिशियल 15 to 30 मिनट्स तो वॉक जो आप होती है, जो करते हो, दैट इज जस्ट टू मेक योर बॉडी वार्म अप. उससे कैलरी बर्न नहीं हो रही है, उससे कोई वर्कआउट नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं आप. सो जो एक्चुअल हमारा वॉक होता है, वो 30 मिनट्स के बाद चालू होता है, विच इज़ नॉट मोर देन 15 to 20. जो रिग्रेस वर्कआउट्स करना है, इट शुड नॉट गो मोर देन 30 मिनट्स. उसके पहले, उसके बाद में वार्म अप एंड कूल डाउन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ वर्कआउट, ऑलवेज रिमेंबर वार्म अप इज वेरी वेरी एसेंशियल, कूल डाउन इज वेरी वेरी एसेंशियल. वार्म अप क्या करेगा, जो लोग वॉक भी जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी टिप है. आप डायरेक्टली ब्रिस्क वॉक से स्टार्ट मत करिए, डायरेक्टली फास्ट वॉकिंग स्टार्ट मत करिए. उससे क्या होगा, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बिकॉज आपने अपनी बॉडी का हार्ट रेट एकदम से बढ़ा दिया. सो आपको क्या करना है, जब भी वर्कआउट, स्विमिंग या एनी एक्सरसाइजेज यू गो, स्टार्टिंग में वार्म अप करिए, बहुत स्लो स्टेप्स लीजिए, एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स. अगर आप जिम करते हैं, तो यू शुड स्टार्ट विद द कार्डियो, अ लो लेवल ऑफ ट्रेडमिल और अ क्रॉस ट्रेनर और अ साइकिल करिए, थोड़े लो पेस पे करिए, दैट इज़ नोन एज वार्म अप. उसके बाद आप रिग्रेस एक्टिविटीज़, रिग्रेस वर्कआउट्स या हैवी वेट्स चालू कर सकते हैं. फॉर वॉक 10 मिनट्स के बाद यू कैन स्टार्ट योर ब्रिस्क वॉकिंग. राइट, सो नाउ मैं बात करती हूँ आइडियल टाइम टू डू द वर्कआउट्स. सो सी, इफ आई टेल यू कि द बॉडीज हाईएस्ट लेवल ऑफ मेटाबॉलिक रेट इज इन द मॉर्निंग आवर्स, यस
मॉर्निंग आवर्स में बॉडी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती है टू कन्वर्ट योर प्रोटीन फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी. सो अगर आपने मॉर्निंग टाइम में वर्कआउट किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी जो फैट परसेंटेज है वो बर्न आउट होंगे और आपके मसल बिल्डअप होगी. ऐसा नहीं है कि इवनिंग वर्कआउट से नहीं हो सकता है. अगर हम कंपेयर की बात करें, मॉर्निंग में मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई होता है क्योंकि आप बॉडी को रेस्ट देते हो आफ्टर स्लीपिंग. 7-8 आवर्स यू आर गिविंग योर बॉडी द रेस्ट. तो जब हम रेस्ट के बाद जब वर्कआउट करते हैं उस वर्कआउट में बॉडी रिलीजेज लॉट ऑफ सेरोटोनिन लेवल्स. सो आप देखेंगे मॉर्निंग वॉक के बाद आपको बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा फील होता है. इवन इट इज़ वेरी गुड फॉर द पेशेंट्स हु आर इनटू डिप्रेशन, एंग्जाइटी, दे फील ट्रॉमेटाइज्ड, या उन लोगों के लिए भी वॉक और वर्कआउट्स लाइक इट्स अ बूम. बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होता है बिकॉज आपके सेरोटोनिन लेवल्स, जिसको हम फील गुड फैक्टर भी बोलते हैं, काफ़ी हद तक रिलीज होते हैं आफ्टर रेस्टिंग टू द बॉडी. अब क्या होता है, हम पूरे दिन में वी वर्क. इवन फॉर अ हाउस वाइफ देर इज लॉट ऑफ वर्क. इवन फॉर द ओल्ड पीपल हैंडलिंग द ग्रैंड चिल्ड्रंस, बच्चों को संभालना है या फिर घर की कोई जिम्मेदारियाँ हैं, काफ़ी ज़्यादा वो पूरे दिन में, या ऑफिस जो जाता है, या एनीबडी इन दैट केस, इवन फॉर चिल्ड्रन जो गो टू स्कूल, सो दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस टू डू इन द एंटायर डे. सो उसमें क्या होता है, विद द मेंटल स्ट्रेस नॉट गिविंग प्रॉपर फूड टू द बॉडी, हेल्दी डाइट भी अगर नहीं है तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाएगा. देन इवनिंग में इफ़ यू पुश योर बॉडी टू डू वर्कआउट, एट दैट टाइम बॉडी विल ब्रेक डाउन योर मसल्स मोर देन ब्रेकिंग डाउन योर फैट, बिकॉज फैट्स तो बॉडी को चाहिए टू माइंड एलिवेट करने के लिए, मूड एलिवेट करने के लिए. सो बॉडी फैट नहीं छोड़ेगी, आपका प्रोटीन ले लेगी. सो मसल्स बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होने के चांसेस होते हैं. सो येस, वी डू हैव एन ऑल्टरनेटिव टू इट. डेफिनेटली आज की हेक्टिक लाइफस्टाइल में हम ये नहीं बोल सकते कि इवनिंग में वर्कआउट बिल्कुल बंद कर दीजिए या मत करिए, बट देन जो लोग इवनिंग में वर्कआउट करते हैं उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ा सा हाई होगा एज़ कम्पेयर टू पीपल जो मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं. येस राइट. सो दिस इज़ द आंसर टू योर क्वेश्चन, मॉर्निंग और इवनिंग. मॉर्निंग, बट या फॉर सम पीपल हु आर द नाइट वेकर्स or you do not sleep properly, evening can also be a good option, but take very good care of your diet. और हमेशा जब आप इवनिंग में वर्कआउट के लिए जाते हो, एकदम भाग दौड़ के ऑफिस का बैग रखा, जिम का बैग उठाया और भाग मत जाइए. थोड़ा सा बॉडी को काम डाउन करिए, एक ग्लास गर्म पानी पी के जाइए वर्कआउट के लिए. जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम ल्यूकवॉर्म वाटर पीते हैं. देन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बिफोर और आफ्टर वर्कआउट मील क्या है. सो बिफोर वर्कआउट हमेशा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना है. अगर आपने बिफोर वर्कआउट कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया तो बॉडी आपके मसल्स को ब्रेक डाउन करती है. जो एक्सरसाइज या वर्कआउट के टाइम हमारा मसल ब्रेक डाउन होता है, तो उस टाइम पर ऐसा होगा कि आपका मसल ब्रेक डाउन होगा, फैट बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं होगा. सो आपको वीक लगेगा. कार्बोहाइड्रेट इज़ अ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी रहेगी तो बॉडी को ब्रेक डाउन के बाद रिप्लेनिश करने में बहुत आसानी होती है. वर्कआउट के तुरंत बाद जो आपको मील लेना है या जो टाइप ऑफ फूड लेना हैज़ टू बी प्रोटीन रिच फूड्स विद इन 30 मिनट्स. अगर जो लोग वे प्रोटीन पाउडर्स भी कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी विद इन 30 मिनट्स दे शुड कंज्यूम द वे प्रोटीन पाउडर, राइट. सो अब मैं बात करने वाली हूँ, सो दिस इज अबाउट द वर्कआउट टिप्स. सो यूजुअली जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड टू डू द वर्कआउट्स. बहुत बार ऐसा होता है, यू स्टार्ट विथ एन एक्सरसाइज रूटीन, यू स्टार्ट विथ वर्कआउट्स, लेकिन इवेंचुअली थोड़े टाइम के बाद यू जस्ट गेट टायर्ड, लेजी, या जिम के पैसे भर देते हैं, आप जिम नहीं जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत इम्पॉर्टेंट टिप मैं आज आपको दूंगी इज डू एज मच एज यू कैन डू लाइफ लॉन्ग. सो अब जैसे आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आप न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं वर्कआउट, आप मोटिवेटेड होंगे नहीं होंगे आपको कोई आइडिया नहीं है, साल भर की जिम की फीस मत भरिए. जस्ट पे फॉर 1 मंथ, लेट इट गो एक्सपेंसिव बट पे फॉर अ मंथ. अगर आपको लगता है कि फिर 1 मंथ भरने के बाद भी आप श्योर नहीं है, डू नॉट स्टार्ट विथ 1 आवर. ट्रेनर को जो बोलना है बोलने दीजिए, 5 to 10 मिनट्स से शुरू करिए. एटलीस्ट गिव योर अटेंडेंस टू द जिम, एटलीस्ट गिव योर अटेंडेंस टू योर वॉक. जाना इज इम्पॉर्टेंट,
the time frame which you do the activity is not that important. The regularity matters. आप उसे कितना रोज, अब कोई इंसान रोज 20 किलोमीटर चलता है लेकिन कभी कभी वो 2 किलोमीटर भी नहीं चल रहा है. कोई इंसान जिम में 2 घंटा वर्कआउट करता है लेकिन कभी कभी 5 मिनट. सो ये कभी कभी वाला जो सिस्टम है ना, ये बॉडी को बहुत ज़्यादा चैलेंज कर देता है. सो इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन द डेली बेसिस फॉर 5 to 10 मिनट्स, इवन दैट विल हेल्प एंड कॉन्ट्रीब्यूट इन योर वर्कआउट रिजीम, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टिप टू मोटिवेशन इज डू एज मच एज यू कैन एक्सटेंड. सो 5 to 10 मिनट्स योर अटेंडेंस टू द प्लेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, आप उसमें कोई ना कोई अपना एंटरटेनमेंट, खुशी ढूंढिए. लाइक इफ़ यू लाइक द म्यूजिक, सो ट्राई करिए जब आप वर्कआउट के लिए जाते हो उसके पहले यू फिल योर फेवरेट सॉन्ग्स इन योर मोबाइल, बाय योर फेवरेट हेडफोन्स और एनीथिंग विच विल मोटिवेट यू टू वर्कआउट. अरे कम से कम चलो वर्कआउट ना सही, मैं मेरे फेवरेट गाने तो सुन लूँगा जो पूरे दिन ऑफिस में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट. सो फाइंड रीजंस, देन मेक फ्रेंड्स. जहाँ पर भी आप वॉक करने जाते हैं, जहाँ एक्सरसाइज करने जाते हैं, जिम में, लोगों को अपना फ्रेंड बनाइए, बट नो गॉसिप फ्रेंड्स. सो देयर इज़ अ डिफरेंस. फ्रेंड्स मीन्स एक जान पहचान करना, उनको ये बोलना कि तू मुझे मोटिवेट कर, मैं तुझे मोटिवेट करूँगा. जिस दिन मैं लेट हो गया तो तू मुझे कॉल करके बोलना कि अरे मैं तो आ गया यार, तू अभी तक नहीं आया. सो दिस काइंड ऑफ, बट आई डोंट वॉन्ट फीमेल्स और मेल्स टू मेक फ्रेंड्स एंड गॉसिप एंड डोंट वॉक. वो नहीं होना चाहिए. बहुत सारे लोग होते हैं जॉगर्स पार्क में, सिर्फ मान लीजिए 2 किलोमीटर चलेंगे बट बहुत सारी बातें कर लेंगे. सो दैट इज़ वेरी रॉन्ग. आपका जो पेस है, जो स्ट्रेंथ की मैं बात कर रही हूँ, वो कंटिन्यूस रहना चाहिए. सो यू शुड नॉट बी चिट चैटिंग फ्रेंड्स, देर शुड बी पीपल हु कैन मोटिवेट यू. सो दिस इज सेकेंड टिप, सॉरी द थर्ड वन. सो द फोर्थ वन इज दैट यू शुड ऑलवेज डू वर्कआउट और वॉक टू स्टे हेल्दी, नॉट टू लुक गुड. सो बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि आपका डीमोटिवेशन कब आता है, जब आप सोचते हैं यार मुझे तो 15 किलो वेट लूज करना ही है एक महीने में. आप एक महीना वर्कआउट करते भी हो बहुत ज़्यादा रेगुलरली, बट होता क्या है कि एक महीने बाद आपका वेट लूज नहीं होता है, एक किलो या 2 किलो, आप डीमोटिवेट हो जाते हो. अरे भाई वर्कआउट हम खुद के लिए कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए कर रहे हैं. हमारी बॉडी, हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं. योर लुक्स डज नॉट डिफाइन यू, योर हेल्दी ऑर्गन्स डिफाइंस योर हेल्थ. सो आप कितने ही अच्छे दिखो, आपका अगर आपका लिवर, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है. आई हैव सीन फीमेल्स जो बहुत सुंदर दिखती है, मेल्स बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बट दे फेस लॉट ऑफ एसिडिटी इशूज, डाइजेशन इशूज, द स्टेमिना इज लाइक यू नो ऑन स्टेक. 2 माला चढ़ने बोल दो. चिल्ड्रंस, आई हैव सीन चिल्ड्रंस 3 years, 5 years, 7 years, दे के नॉट वॉक डाउन 3-4 फ्लोर्स. सो फ्रेंड्स दैट मीन्स द स्टेमिना इज वेरी वेरी लो. तो याद रखिए, वर्कआउट करना है ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के लिए, ना कि अच्छे दिखने के लिए. ऑर्गन्स हमें जब तक ये ना बोले आपके कानों में कि मैं बहुत हेल्दी हूँ बॉस, वर्कआउट बंद कर दे, तब तक वर्कआउट बंद नहीं करना है, राइट. ऑर्गन्स कभी नहीं आके बोलने वाले हैं. सो इन शॉर्ट, लाइफ लॉन्ग वर्कआउट करना है, राइट. वर्कआउट के बेनिफिट्स, आपका लिवर हेल्दी रहता है, आपका डाइजेशन सबसे बेटर. सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ वर्कआउट इज इट बूस्ट योर मूड. मूड एलिवेशन होता है. सो आधा स्ट्रेस तो वैसे ही निकल जाता है बिकॉज सेरोटोनिन लेवल्स आर इंक्रीज एंड लेप्टिन लेवल्स गिर जाते हैं. सो जो क्रेविंग्स होती है ना बॉडी में, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड रहती है. सेकेंड बेनिफिट इज योर इम्यूनिटी बूस्ट अप लाइक एनीथिंग, बिकॉज आप कोई भी एक्सरसाइज करते हो, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है. वॉक करते हो अगर खुली हवा में तो वाह वाह, उसके तो कोई कहने ही नहीं है. बट अगर आप क्लोज एनवायरमेंट में, जिम में भी करते हो, स्टिल आपकी इम्यूनिटी बूस्ट अप होती है. योर लिवर बिकम्स हेल्दी, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स नहीं होगी. योर ब्लड शुगर लेवल्स, ना ब्लड शुगर लेवल्स डायरेक्टली कम नहीं होते हैं, लेकिन आपका जो इंसुलिन हार्मोन है जो कि आपके शुगर लेवल्स को ब्लड में जाने से रोकता है, दैट हार्मोन की जो एक्टिविटी है वो बेटर हो जाती है. सो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाती है. हाय किरण,
दिस इज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ वर्कआउट. इसके अलावा येस वेट लॉस, वेट गेन, अपियरेंस वाइज, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, येस लॉट ऑफ अदर ऑर्गन्स, योर लिम्स, आपके शोल्डर जॉइंट्स, आपके हैंड्स, आपके बाइसेप्स लाइक योर आर्म्स, योर नीज. सो सबसे ज़्यादा इन नाउ डेज अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, सो एवरी डे एटलीस्ट 5 पीपल गेट आर्थराइटिस. लाइक नॉट एवरी डे, एवरी आवर. येस, हर एक इंसान को आज घुटने की प्रॉब्लम है. आप 20 साल की लड़की ले लीजिए, 20 साल का लड़का ले लीजिए, या 35, 40, 45, विच इज़ अ वेरी वेरी अर्ली सून एज टू गेट दिस जॉइंट इशूज. ये क्यों होती है? बिकॉज वी गेन लॉट ऑफ वेट, वी डू नॉट एक्सरसाइज, डू नॉट वर्कआउट, हम ध्यान नहीं देते हैं खुद पे, वी आर जस्ट बिजी. और बहाना ये है कि अरे यार मैं तो कामों में बिजी रहता हूँ. अगर आप बिजी रहते हैं तो आपकी बॉडी का कौन ध्यान रखेगा? यू आर द बॉस ऑफ योर ओन बॉडी. वाई यू आर गेटिंग द आउटसाइड वर्ल्ड डिटोरिएटेड? क्यों क्यों नहीं ध्यान रख सकते? आपको भगवान ने इतनी सुंदर एक बॉडी दी है, वर्कआउट करके उसका ध्यान रखना है. सो वन मोर पॉइंट टू मोटिवेट योर सेल्फ इज प्लानिंग. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट. आपको कम से कम दिन के 2 घंटे सेल्फ के लिए निकालना है, विच इज़ नोन एज मी टाइम. मी टाइम का ये मतलब होता है जिस टाइम में आप सोसाइटी को जज नहीं करेंगे, सोसाइटी आपको जज नहीं करेगी, जो आपकी इच्छा हो. मी टाइम में जितना हो सके डिजिटल टाइम इन्वॉल्व मत करिए. मोबाइल, सोशल मीडियाज, ईमेल्स शुड बी अवे. 2 hours इज मी टाइम फॉर योर ओन सेल्फ. टॉक टू योर ओन सेल्फ, फॉरगिव योर सेल्फ, फॉरगिव अदर्स, लिव योर लाइफ, वर्कआउट करिए, म्यूजिक सुनिए, जितना हो सके हंसिए. यस, यू कैन लाफ, यू कैन हैव योर फेवरेट हेल्दी कोल्ड ड्रिंक, एनी हेल्दी रेसिपी, यू कैन स्टार्ट कुकिंग. सो मी टाइम में ऐसा कुछ करना है जो आपको खुशी दे, नॉट द डिजिटल. या फिर ऐसा कुछ नहीं कि किसी के यू नो बिकॉज आई हैव अ वर्क प्रेशर वो मी टाइम मैंने वहाँ यूज़ करा, दैट शुडंट बी देयर. सो दिस इज ऑल द मोटिवेशनल टिप्स कि आप कैसे अपने आप को वर्कआउट रिजीम में कंटिन्यू रख सकते हैं. ये सारे तरीके अगर आप करोगे लाइफ लॉन्ग आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. सो अगर कुछ करना है तो लाइफ स्टाइल चेंज करना है रादर देन चेंजिंग योर सेल्फ फॉर 2 or 3 months, विच इज़ नॉट गन अ हेल्प. किसी ने अगर 20 किलो लूज कर भी लिया 3 महीने में, आई कैन गारंटी यू अगर आपने वर्कआउट बंद किया, नॉर्मल डाइट पे आई, यू विल रिबाउंस 40 kgs, विच इज़ वेरी बैड. सो वर्कआउट मीन्स डूइंग समथिंग ऑन द डेली बेसिस, इंक्रीजिंग योर स्टैमिना, स्ट्रेंथ एंड सपलनेस, राइट? यस, आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस टॉपिक एंड लिटिल रिजिड ऑल्सो. मैं थोड़ा सा रूड हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ उन लोगों से जो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते, अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, राइट? सो अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूँ तो यस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना, जब भी आप वर्कआउट करते हैं, इट कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, नॉर्मल वॉक से लेके स्विमिंग, बैडमिंटन प्लेइंग, टेबल टेनिस वर्कआउट, वेट ट्रेनिंग, हैवी लिफ्टिंग, क्रॉस ट्रेनर्स, ट्रेडमिल, एनी थिंग नीड्स 1 gram per kg प्रोटीन पर डे. उतना प्रोटीन आपको कंज्यूम करना ही है. नाउ इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर द पीपल हु आर वर्किंग, हु आर नॉट हैविंग इनफ टाइम टू कुक डिफरेंट वेराइटीज ऑफ फूड जिसमें प्रोटीन होता है. सो उनके लिए द बेस्ट ऑप्शन इज दे कैन टेक इन लाइफ वे प्रोटीन पाउडर. इन लाइफ वे प्रोटीन पाउडर 2 types के हैं, 1 is वे प्रोटीन पाउडर, 2 is वे प्रोटीन आइसोलेट. सो आज मैं उसका भी कन्फ्यूजन दूर कर रही हूँ. इन लाइफ वे प्रोटीन आइसोलेट उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है मेरा बॉडी वेट ज़्यादा है, मुझे वेट लूज करना है पर मुझे मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ानी है. इन लाइफ वे प्रोटीन पाउडर उनके लिए है जिन्हें वेट लूज नहीं करना है, ना वेट गेन करना है, जिन्हें सिर्फ मसल बिल्टअप करना है उनके लिए नॉर्मल वे प्रोटीन पाउडर है. जिन्हें वेट गेन करना है, मसल भी गेन करनी है, उनके लिए इन लाइफ मास गेनर पाउडर है. यस, सो देयर आर 3 different powders फॉर 3 different types ऑफ रिक्वायरमेंट्स. जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है यू लेट मी नो, आई विल गाइड यू, बट दिस आर द 3 different types. इसके अलावा जिन्हें लगता है कि मुझे इतना हैवी वर्कआउट नहीं है मेरा, या मेरी डाइट में रिजनेबल प्रोटीन है लेकिन कुछ कम पड़ रहा है, उनके लिए इन लाइफ हेप्सटिन पाउडर है.
जो भी एक तरह का प्रोटीन पाउडर है, बट उसमें जो प्रोटीन का अमाउंट है दैट इज लिटिल लेस, सो विच विल बी ओके फॉर अ पर्सन ओल्ड एज पीपल या बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, या जो बेड रिडन है, या कैंसर पेशेंट्स हैं, या डायबिटिक हैं, ये सारे लोग इनलाइफ हेप्सटिन पाउडर कंज्यूम कर सकते हैं, राइट? सो आई होप कि आई हैव कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स. अब वर्कआउट नहीं करने की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे आई एम श्योर सबको पता है, बट लेट मी स्टिल टेल यू, अर्ली एज आर्थराइटिक प्रॉब्लम्स, अर्ली एज डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स आपके बढ़ जाएंगे, आपको सबसे ज़्यादा दिन में नींद आएगी, इन द डे टाइम यू विल फील लथार्जी, स्लीपी, योर काफ विल स्टार्ट पेनिंग, योर नी विल स्टार्ट पेनिंग, एंकल पेन रहेगा, बैक पेन्स होंगे, योर हेड विल स्टार्ट पेनिंग सडनली. ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं जब आप वर्कआउट नहीं करते हो. हाई स्वप्निल, सो ट्राई टू डू वर्कआउट ऑन अ डेली बेसिस, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बिकॉज योर बॉडी इज योर राइट. अ हेल्दी बॉडी इज योर वे टू हेल्दी लिविंग एंड हैप्पी लिविंग. हाय स्वप्निल, डाइट प्लान के बारे में बताएंगे मैम आप? श्योर, डेफिनेटली स्वप्निल, ये कमेंट बॉक्स में आप अपने सारे डिटेल्स, आपका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, आपका पूरा नाम छोड़ दीजिएगा, मेरी टीम या मैं आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको डिटेल्स लेंगे आपके और आपको डाइट प्लान दे देंगे. ओके, सो टिल देयर टेक केयर, हैव अ वेरी 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 ग्रेट वीकेंड, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय बाय, हैव अ नाइस वीकेंड.